Hey guys, welcome back to our vlog. आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी. आज है जन्माष्टमी और आज हम व्लॉग बना रहे हैं, रात को शूट कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर में रात को मटकी फूटने वाली है, इसलिए वो हर साल हमारा छोटा सेलिब्रेशन होता है तो हम आज आपके साथ भी शेयर करेंगे. और हम रात के सिर्फ शूट कर रहे हैं क्योंकि सुबह से नीचे पेंट हो रहा है, तो इसलिए तो अभी नीचे तैयारी हो रही है तो इसलिए पेंट हो रहा था, इसलिए तो नीचे तैयारी हो रही है. चलिए आज के व्लॉग में क्या क्या होता है देखते हैं. रात को तो अभी पता है हमने गोपाल जी को, मतलब हम सब ने मिल के मटकी बनाई थी और गोपाल जी को भी सजाया था. हाँ हम, और फिर उसके बाद में अभी मटकी बस लग ही रही है, लगने वाली है थोड़ी देर. तो चलो हम नीचे चलते हैं और देखते हैं नीचे क्या क्या हुआ है. तो गाइज ये है हमारी पूरी मटकी जो डेकोरेट हो चुकी है, ये मैंने काकू ने मिल के दोनों किए और इसके ऊपर इसके अंदर हमने सामान भी डाल चुके हैं हम, इसके अंदर टॉफी और चॉकलेट वगैरह. और ये कहाँ लटकेगी मैं आपको वो भी बता देती हूँ, कहाँ टांगी जाएगी. ये यहाँ टांगी जाएगी आप जैसे. गाइस यहाँ पे हमारी मटकी लगेगी अभी, बाहर अभी हंडिया लग रही है और यहाँ पे मैं अंदर बैठी हूँ और बाहर देखो मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है. तो गाइस यहाँ पे अभी मटकी बांधी जा रही है जो कि मैं और मेरी दादी बंधवा रहे हैं और इसको बांधने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी थी, ये बंध ही नहीं रही थी, बार बार खुले खुले जा रही थी. और गाइस ये ऊपर देखो हमने रस्सी से बांध दिया ऐसे करके, चमकीली वाली रस्सी, और अच्छे से बांधा और तब जाके लगी थी ये. हाँ कम से आपको तो एक ही वीडियो में दिखाई दे रही, हमने तो बहुत मेहनत की इसके लिए. और ये अच्छे से बांध रही है, उसके बाद फिर इसके हम फोड़ेंगे उसके बाद. हाँ इसको फिर फोड़ना भी था. तो गाइस यहाँ पर ये हमारी चिंकी दीदी हैं जो आपने हमारी हेल्प की थी उन्होंने वो वाली वीडियो में. और यहाँ पे हम हेल्प वो मतलब चिंकी दीदी हमारी रस्सी को भी सजा रही है बलून से. हाँ बलून से, और बलून पर वजी से गिरे जा रहा था. और यहाँ पे अच्छे से गिरा कि हमारी रस्सी थोड़ी अच्छी सी लगे, रस्सी लगे, इसलिए हमने इसको रस्सी से बांध दिया था. और यहाँ पे आप देखो पूरा अच्छे से ऊपर से नीचे तक पूरा अच्छे से. गाइस दिस इज फाइनल लुक. हाँ यहाँ पे हमारी पूरी मटकी बन चुकी है और आप देखो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना है. पूरी रस्सी अभी ये ना थोड़ी नीचे है, हमने इसे नीचे बांधा है, जब ऊपर जा कोई खींच लेगा रस्सी. हाँ जब हम फोड़ेंगे आप पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत मजा आएगा. सारी चॉकलेट्स और लॉलीपॉप वगैरह सब टॉप है, तो आप देखो बाहर से पूरा लुक देख सकते हो. आप लुक देखो इसका कैसा लग रहा है और कमेंट करके जरूर बताना. गाइस यहाँ पे हम राधे कृष्ण का टीका लग रहा था, सबके ही लगाया था, मैंने लगाया है. तो गाइस ये कान्हा जी हमारे कितने क्यूट से लग रहे हैं, आप कमेंट करके बताना. हम सब ने सजाया है, कमेंट करके बताना कैसे हैं. हाँ हम सब ने मिलकर सजाया इनको और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे मुझे. अब तो ये अब आप देखो राधा कृष्ण दोनों जी कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना. और यहाँ पे हम राधा जी को बिठा रहे हैं, चिंकी दीदी राधा जी को कान वो हाँ राधे जी को बिठा रही थी. यहाँ पे आप राधा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, कमेंट करके बता देना. और अब चलो हम उसको सजा लेते हैं अच्छे से. और अभी हम कान्हा जी की पटरी पर बिठा रहे हैं उनको अच्छे से. दादी बिठा रहे हैं, दादी बिठा रही हैं और यहाँ हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो गाइस देखो पहले यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी सजा, दादी ने पूरा अच्छे से एकदम सजाया था ताकि थोड़ा सुंदर सा लगे देखने में भी. और आप प्लीज़ कमेंट करके बताना गोपाल जी कैसे लग रहे हैं. हाँ हमने बहुत ही और अच्छे से करा था, मेहनत भी लगी थी ना इसलिए. हाँ और गाइस ये देखो अब मैं आपको कैसी लग रही हूँ कमेंट करके मुझे बता दूँ. मैंने टीका लगा रही हूँ माथे पे भी. और गाइस ये हमारे नवे और दादू आए थे अभी और ये मिठाइयाँ मतलब सब खाने को हाँ भोग लगाया जा रहा है. गाइस अब अभी फाइनल हो चुका है डेकोरेशन तो और राधा जी भी बैठी हैं ऊपर और कान्हा जी भी बैठे हैं. हाँ वहाँ पे तो आप कमेंट करके बताना. तो गाइस ये है हमारा मंदिर कैसा लग रहा है, भगवान जी बैठे हैं. हाँ, और ये है ये मैं गाइस ये मैं आपको बताना कैसा लग रहा है. अब हम मटकी फोड़ने चलते हैं. हाँ। फाइनल जिसके हम रुके हुए थे यहाँ पे, हम सब मटकी फोड़ रहे हैं. तो कोशिश कर रही थी कूद रही थी, अभी आपने देखा होगा किसी से भी नहीं फूट रही. हाँ यहाँ पे देखो कैसे वो उस भैया बैठा है ऊपर, वो खींच रहा है. हमने ज़्यादा छोटी नहीं की. हाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर करने से ना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं होता. गाइस हमने यहाँ पे म्यूजिक इसलिए डाला, हमने डांस भी किया था बहुत, पन किया था कॉपीराइट आ जाता था इसलिए हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं. यहाँ पे मैं आ गई हूँ फोड़ने में, इस पर भी हाथ नहीं जा रहा था और सब मुझे चिढ़ा रहे थे कि किसी ने फूट रही किसी ने फूट रही. ये देखो मैं दोबारा चढ़ी, दोबारा ही नहीं आ रही.
हाथ हल्का सा हाथ लगा था पर फूट भैया ऊपर करे जा रहा था। उसके बाद फिर नव्या आई थी, नव्या नहीं अब तुम आओगी शायद, नव्या आई थी, नव्या डर गई थी, फिर पहले मैं गई थी उसके बाद नव्या भी आई थी। तो गाइस यहाँ पे अब काकू दादी मिट्टी फोड़ने नव्या आ गई, ये नव्या भी आ गई, वो तो रोने ही लग गई थी, डर रही थी वो पता नहीं क्यों। गाइस यहाँ पे अब मटकी फोड़ी और ये फूट, मेरा भी हाथ ही जा रहा था एकदम से, बहुत ज़्यादा ऊपर कर ली, देखो कितनी ऊपर चली गई, हमें बहुत मज़ा आया था है ना। हाँ गाइस अब देखते हैं, रात को 1 बज गए थे। हाँ गाइस देखो ये फूट ही नहीं, और देखो नव्या तो डर रही थी, नव्या जा ही नहीं रही थी ऊपर गोदी में, अब देखो नव्या को लग जाएंगे तो रोने लग जाएगी। हमने म्यूजिक हम ऑडियो डाल सके, सॉरी अगेन, ये देखो गाइस अभी पीछे गाने चल रहे थे इसलिए। हाँ गाने तो चलते ही है ना, फिर आवाज़ आती कॉपीराइट आ जाता हमारा। हाँ तो हम अलग से ऑडियो रिकॉर्ड कर देंगे, अब यहाँ पर देखना नव्या रोने लग जाएगी थोड़ी देर में, बस अभी स्टार्ट करिए रोना गाय, तो ये रोने लग गया, रोने लग गई, लग गई। और अब हमें गुस्सा आ गया, अब हम फोड़नी पड़ेगी। अब गाइस फाइनल फूटने वाली है मटकी, और ये बस फूट गए, सब एकदम से मार ढूंढने में लग गए, सब लॉलीपॉप्स लेने में लग गए हैं, सब चॉकलेट टॉफीज वगैरह सब, देखो यहाँ पे कैसे लोग लग गए, हम ही लग गए तो सब कुछ। और यहाँ पे चिंकी एकदम से मार लूट के भागती हुई कि दिल नहीं मैंने निकलूँ नहीं, लेकिन चिंकी ने भी फिर सबको भी जो ऊपर भैया खुशबू उनको भी दिया था ना इसलिए। गाइस अब यहाँ पे सारी मटकी फूट गई, अच्छा फिर क्रॉप कर दो चलो।